मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? दोस्तों 29 अप्रैल सन 2020 वो दिन था जिस दिन उसने एक ग्रेट एक्टर को खो दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इरफान खान की। दोस्तों 29 अप्रैल 2020 को हमने एक बहुत ही महान जाना माना चेहरा, जाना माना एक्टर इरफान खान को हमने खो दिया। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। सो आज के इस वीडियो में मैं इस कमाल की एक्टर की बात आप बताने जा रहा हूँ। इनकी मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें शायद आपको जाननी चाहिए, मतलब इनकी बायोग्राफी थोड़ा मैं करीब से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही गजब ही ये एक्टर थे। मतलब पर्सनली अगर बात कहूँ ना तो कि ये एक ऐसे एक्टर थे जिनकी बॉक्स ऑफिस पे फिल्में हिट जाए ना जाए लेकिन उनकी फैन के दिल में ये फिल्म हमेशा घर कर जाती थी। इनकी लेटेस्ट मूवी है इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम, जो कि एक बहुत अच्छी मूवी है, एक बहुत अच्छी कहानी के साथ ये मूवी बनाई गई है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम इनकी कहानी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर शहर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जागीरधर खान है, जो कि जिनका कि एक टायर फाइनेंस का बिजनेस था, मतलब टायर का बिजनेस था, ये टायर की बिजनेस किया करते हैं। दोस्तों ये पैदा भले ही पठान परिवार में हुए थे लेकिन ये एक वेजिटेरियन थे। मतलब ऐसा कहते थे इनके पिताजी कि तू लगता नहीं कि तू पठान है, मतलब एक पठान के फैमिली में एक पंडित पैदा हो गया, इनको ऐसा बोलते थे क्योंकि ये वेजिटेरियन थे और उन सब चीजों से ये दूर रहा करते थे, इसलिए उनके पिता ऐसा कहते थे। बचपन से ही बहुत मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे ये, मतलब अपने में मजा मस्ती खुद ही इनकी चलती थी अलग ही ढंग से, और ये उतना ही फोकस स्टडी पे करते थे जितना कि वो खेल कूद क्रिकेट वगैरह में करते थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में भी तेज अच्छे थे, खेलने में भी ठीक ठाक थे, ड्रामा भी ये बचपन से ही किया करते थे। लेकिन तभी 1984 में इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इनको जो ड्रामा सीखने का इनका मतलब एक्टिंग सीखने का ऑफर आया, इन्होंने तुरंत ही ज्वाइन कर ली और वहां जाकर थिएटर भी करने लगे और एक्टिंग पे खास विशेष ध्यान देने लगे इरफान खान। और दोस्तों 4 साल इन्होंने दिल्ली में रहकर थिएटर की, ड्रामा की, लेकिन कहते हैं ना कि सक्सेस थोड़ी सी देर में मिलती है लेकिन मिलती ही मिलती। और दोस्तों 1988 में एक फिल्म के लिए मीरा डायर के फिल्म के लिए सिलेक्ट हुए जिसमें कि इनको एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन दुर्भाग्य इसमें भी देखिएगा, इस मूवी का नाम था सलाम बॉम्बे। दोस्तों इसकी किस्मत देखिए, ये बहुत ही एक्साइटेड थे मूवी के लिए कि अब मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन कहते हैं ना कि ये परेशानियां जो है वो प्रॉब्लम जो है वो लाइफ का एक अहम पार्ट बन जाता है। इनकी लाइफ में भी ऐसे ही होनी थी। इनका भी क्या हुआ कि इनको स्मॉल रोल मिला लेकिन ये बहुत एक्साइटेड थे कि हमारा मूवी आने वाला है, लेकिन जो एडिटिंग के वक्त इनके रोल को काट दिया गया था। दोस्तों कितना खराब लगता होगा उस समय कि किसी फिल्म के लिए साइन करने के बाद भी जब ऐसा सुनने को मिलता होगा कि कट गया रोल। सो इनके साथ भी यही हुआ और इनका रोल काट दिया गया, बट ये अंदर से टूटे नहीं बल्कि कहे कि चलो एक गया तो क्या हुआ, अगला तो हमारा वेट कर रहा है, अगले मूवी के लिए फिर से प्रिपरेशन करने लगे। फिर जब इनकी रोल कट गई तो इन्होंने सोचा कि चलो मूवी नहीं सही, सीरियल तो चलेगी हमारे यहाँ। तब इन्होंने टीवी सीरियल में काम करना चाहा और इन्होंने मतलब स्पर्श और चाणक्य जैसा सीरियल में काम किया। उसके बाद 1995 आते आते इन्होंने अपनी शादी कर ली 1995 में सुभाता सिरदर नाम की एक लड़की से, और घर में ही अपना एक अलग ही अंदाज नई जिंदगी की शुरुआत की। अब इनके माइंड में ऐसा होता लगा कि अब मैं सीरियल क्या करूंगा, मेरी लाइफ तो झंड हो गई है। मैं ये बार बार ऐसा सोचते थे कि चलो मैं गांव चला जाता हूँ, वहां मैं अपने पूरे फैमिली के साथ रहूंगा, लेकिन दूसरी ओर ये भी सोचते थे कि मेरा विवाह हो गया, मेरी फैमिली है, तो मैं उनको कैसे चला पाऊंगा, इसलिए इन्होंने डटे रहे। और उसके बाद दोस्तों 1998 में एक फिल्म आई एक डॉक्टर की मौत, और एक एक्टर ने इनको इसके लिए मतलब फोर्स मतलब कहा कि ऑफर किया, तब इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस मूवी पे साइन कर दिया। लेकिन दोस्तों ये फिल्म उनको ज्यादा कुछ दिला नहीं पाई, लेकिन उसी साल इनकी बहुत सारी फिल्में आई और गई भी, लेकिन फ्लॉप जो कहता है वो नहीं हुई, लेकिन ठीक ठाक ही सारी मूवी इनकी चल रही थी। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं,
तभी 2001 में इनकी मूवी आई द बैरियर। ये इनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी, जब इनको एक सफलता जो है वो मिली थी। तो उसके बाद दोस्तों इनको मुकाबला फिल्म में टाइटल रोल भी इनको करने का मौका मिला। अब चाहिए था इनको एक लीड रोल के तहत नजर आने की। तब इन्होंने रोग मूवी में अपना एक लीड रोल का छाप छोड़ा और टाइटल जो रोग मूवी था उसमें ये आए। एक डायरेक्टर ने ऐसा कहा था कि इनकी जो जुबान है उससे ज्यादा इनकी आंख बोलती है। एक एक्टर की ये जुबानी है और ये बात बहुत ही मायने रखती है इरफान खान की जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए। और उस आर्टिकल को पढ़कर बहुत ही खुश हुए थे, उसमें बहुत सारी बातें की गई थी उस आर्टिकल में। और दोस्तों 2007 में इनकी मूवी आई मेट्रो, ये चार्ट बूस्टर फिल्म रही उस समय की और उसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद इन्होंने हॉलीवुड में भी कदम रखा और द नेमसेक के नाम के एक फिल्म की तैयारी की और उसको शूट किया। उस फिल्म में भी इनकी बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन एक बार ना मानो या ना मानो एक सीरियल से इन्होंने फिर टीवी सीरियल में वापसी कर ली। लेकिन अब इनको मूवी मिलने लगी और धीरे धीरे ये मूवी की ओर और भी अट्रैक्ट होते चले, बढ़ते चले गए। और दोस्तों असलम डॉग मिलेनियर एक ऐसी फिल्म थी जो इनकी लाइफ में एक अहम पार्ट अदा करने जिसको कहते हैं ना वो आ गई थी। असलम डॉग मिलेनियर जो थी इनकी एक ऐसी मूवी थी जिनसे इनको बहुत बड़ा मतलब सक्सेस मिलने वाली थी उस समय। दोस्तों उसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए भी इनको अवार्ड दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी एक्टर के लिए। अब दोस्तों इनको बहुत सारी मूवी मिलने लगी, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी थी जिसमें इन्होंने काम किया, उसके बाद एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क जैसे कुछ हॉलीवुड मूवी में भी काम किया। उसके बाद क्या कहना था, लाइफ बन चुकी थी यार, सक्सेस मिल गई थी। अब तो मूवी करना था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मूवी कर लो, पैसे ले लो, यही इनकी लाइफ में अब चलती गई। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मूवी किए, जैसे पीकू, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, इन सभी टाइप की मूवी को इन्होंने किया है। और दोस्तों इनको 2009 में पान सिंह तोमर एक मूवी थी इनकी जिसके लिए इनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है और इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया। इनकी अच्छे काम के बदौलत और अच्छे मतलब जो भी कह सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के बदौलत, इनकी अच्छी मेहनत को देखकर, इनकी अच्छी सक्सेस को देखकर इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। और उसके बाद इनकी बहुत सारी मूवी है जैसे पीकू, अंग्रेजी मीडियम, मुकाबला, मतलब मकबूल, इस तरफ से गुंडे, इस तरह से बहुत सारी मूवी जो थी वो इनके लाइफ में आती गई। इन्होंने मूवी को किया और अपने लाइफ में आज बहुत ही खुशहाल तरीके से जी रहे थे, लेकिन अचानक इनकी मृत्यु हो गई 29 अप्रैल 2020 को। दोस्तों ये एक बहुत ही मेहनती इंसान थे जो अपने फिल्म के लिए हमेशा ही प्रिपेयर करते रहते थे। वो फिल्म को एक ऐसा नहीं समझते थे कि फिल्म कर रहे हैं तो काम सिर्फ मिल रहा है हमको या पैसे मिल रहे हैं, वो फिल्म को एक कहते हैं वर्क इज वर्क से उस तरह से ये फिल्म को लेते थे। आई होप आपको इनकी लाइफ स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। सो आपसे जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नौ अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय इंदौर, वंदे मातरम।